हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योत्सनाज यमी किचन। आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल बाजार जैसी आलू टिक्की, जो बस कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है ये, तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। मैंने इनको बॉयल कर लिया था और बॉयल करके फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए रख दिया था। आलूओं को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा करने से इनमें मॉइस्चर कम हो जाता है और उससे फिर जब हम टिक्की बनाते हैं तो इनको बनाना आसान हो जाता है और टिक्की क्रिस्पी भी बनती है। तो टिक्की बनाने के लिए ठंडे आलू ही ले, कभी भी फ्रेशली बॉइल्ड आलूओं से टिक्की ना बनाएं। अब हम इनको ग्रेट कर लेते हैं, तो हम एक ग्रेटर ले लेंगे। आलूओं को ग्रेट करके टिक्की बनाने से इनका टेक्स्चर बहुत बढ़िया आता है, तो मैं इनको ग्रेट ही करती हूँ, पर अगर आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम इनमें डालेंगे सभी मसाले। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप चाहे तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप जितना तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स डालें, या फिर आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। और बारीक कटा हुआ धनिया। और अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट, जिससे टिक्की बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनती है। तो मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून चावल का आटा। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है और इसको आप इजीली घर पर भी बना सकते हैं। चावल को मिक्सर में 1-2 मिनट के लिए चला लें, बस ये रेडी हो जाता है। और साथ ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ बस 1 टेबलस्पून बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो इसको एक बार मिक्सर में चला लें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। राइस फ्लावर और सूजी यूज़ करने से टिक्की बहुत कुरकुरी और क्रिस्पी बनती है और बढ़िया टेक्सचर आता है। अगर आपके पास सूजी नहीं है तो आप इसमें बस चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी टिक्की अच्छी बनती है। देखिए, आलू का मिक्सचर बिल्कुल आटे जैसा तैयार हो गया है। अगर आपको थोड़ी ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा चावल का आटा इसमें और डाल लें। चलिए अब बनाते हैं इनकी टिक्कियाँ। तो टिक्की बनाने के लिए हम हाथों में हल्का सा तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथों में और इनको राउंड शेप में बनाना स्टार्ट करेंगे। मिक्सचर को दोनों हाथों के बीच रखकर गोल गोल घुमाएंगे और हल्के हाथ से इसको दबा देंगे, देखिए इस तरह से। और इनकी साइड्स को स्मूथ करने के लिए आप इनको ऐसे प्लेट पर या किचन प्लेटफॉर्म पर रोल कर लें। देखिए, ये एक टिक्की रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम सभी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। तो मैंने सभी टिक्कियां रेडी कर ली हैं। चलिए अब इनको शैलो फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें ऑयल ऐड करके इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम एक एक करके इसमें सारी टिक्कियां डाल लेंगे। मेरा कॉल आ गया था और जब मैं वापस आई तो कैमरा ऑन करना ही भूल गई, तो इसलिए स्टार्टिंग की कुछ टिक्कियां डालने की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें ताकि टिक्कियाँ अंदर तक अच्छे से पक जाएं। इनको पकने में 2-3 मिनट लग जाएंगे। तीन मिनट बाद हम इनको पलटा लेंगे। देखिए, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई है और बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड से भी इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। देखिए, ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं और बहुत ही बढ़िया कलर आया है इनका। बस हमें इनको इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रही हैं ये। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इनको बारिश के मौसम में गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही आ जाता है। आप इसको हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं।
मैं तो इनको अभी खाने वाली हूँ। ऐसी ही टेस्टी और इजी रेसिपीज देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।